हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो एक्टिविता किस प्रकार का गुण है, यानी किसका गुण है? परमाणवी नाभिक का, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का, एक्स किरणों का, या अल्ट्रावायलेट प्रकाश का? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। या ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि रेडियो एक्टिविता परमाणवी नाभिक का गुण है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि साधारण नमक है, यानी साधारण नमक को अगर हम केमिकल फॉर्म में बोले, केमिकल लैंग्वेज में बोले, तो क्या बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl कहते हैं, यानी NaCl को हम साधारण नमक बोल सकते हैं। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में अधातु बताइए, यानी यहाँ चार दिए हुए हैं, इनमें से अधातु कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास कोबाल्ट, ये आयरन का वो है, क्या कहते हैं, सिंबल है, और उसके बाद एफ, और ये एनए, एनए मतलब होता है सोडियम, तो यहाँ सोडियम का सिंबल दिया हुआ। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ, यानी एफ को हम क्या बोलेंगे, सी मतलब होता है कोबाल्ट, और यहाँ आपका लोहा, एफ ही मतलब लोहा हो जाएगा, एन ए मतलब सोडियम हो जाएगा, और जो अलग दिया हुआ है एफ, इसका मतलब होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, एक अधातु है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कहाँ से होता है? कपड़ा मिलों से, बिजली संयंत्र से, जूते की फैक्ट्री से, या सब्जी की खेती से? आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिजली संयंत्र से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है कौन सी है? भारत तथा जस्ता, सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा टिन, या पोटेशियम तथा जस्ता? यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम तथा पोटेशियम मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पीतल निम्न का मिश्र धातु है, यानी पीतल क्या एक मिश्र धातु है, किससे किससे मिलकर बनी हुई है? कापर व एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम व जिंक से, कापर व जिंक से, या कापर व टिन से? तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा कापर, कापर व जिंक को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, फॉस्फोरस, जस्ता, सोडियम या पोटेशियम? यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक या फुलरीन? यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, कोक। कोक क्या है, अक्रिस्टलीय अवस्था है कार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पीएच जो सूचक होता है वो क्या सूचित करता है? घोल का तापमान, घोल का वाष्पीय दाब, घोल की अम्लीयता या बेसिकता, घोल की आयनिक क्षमता? तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, घोल की अम्लीयता व बेसिकता। यानी कोई भी अगर घोल है, लिक्विड है, वो एसिटिक है या बेसिक है नेचर में, इसको हम कैसे पता करते हैं? पीएच सूचक से, पीएच मान से हम पता लगा लेते हैं। तो यहाँ आपका सी, पीएच क्या होता है, एक हमें बताने वाला सूचक होता है जिसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी घोल वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर से, या सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि चूने के पानी में क्या पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड? यहाँ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में होता है। फिर कह रहा है कि वाशिंग सोडा है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि समुद्र जल से सामान्य नमक को किस पद्धति से प्राप्त किया जाता है? सब्लिमेशन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिल्ट्रेशन? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के माध्यम से समुद्री जल से हम सामान्य नमक को प्राप्त करते हैं। फिर कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना या नाभिकीय अभिक्रिया को रोकना? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं रेडियो एक्टिविता का प्रयोग किसमें होता है? औषधि में, कृषि में, कारखाने में या सभी में? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, इन सभी में रेडियो एक्टिविता का प्रयोग होता है। फिर कह रहा है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? जे.जे. थॉमसन, चैडविक, रोएंटजेन या बोहर? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा बोहर। बोहर ने कहा था कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है।
कह रहे हैं कि परमाणु की नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, या सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ कई ऑप्शन सही है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। फिर कह रहे हैं एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 8, 2, 0 या 4? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तो परमाणु संख्या 16 है, जिसके अब इसके परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये आपका फॉर्मूले से निकाला जाएगा। जिसमें क्या करना है आपको, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड, यानी द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 16। 32 से 16 माइनस करेंगे तो 16 ही तो आएगा, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सूखी बर्फ क्या है, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, धोने का सोडा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ कहलाती है। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन ना कि डी ऑप्शन। फिर कह रहा है कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, विनिमय नहीं होती है, अपघटित होती है, विकसित होती है, अवशोषित होती है। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकसित होती है, यानी जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन में ऊष्मा जो होती है, हीट जो होती है, वो विकसित होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, किण्वन, पाश्चरीकरण, अल्कोहल होलिम्स या उनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किण्वन, यानी यीस्ट के द्वारा जब शर्करा का अल्कोहल में बदलते हैं तो ये जो विधि होती है किण्वन कहलाती है। फिर कह रहे हैं वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण या आयनन। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनन, अपचयन। अपचयन विधि का हम प्रयोग करते हैं जब वनस्पति घी को औद्योगिक उत्पादन में, यानी अगर हम औद्योगिक उत्पादन में वनस्पति घी जब प्राप्त करते हैं तो उनमें हम अपचयन की विधि का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न से कौन सा एक प्रबल अपचायक है, क्लोरीन, कैल्शियम, सल्फर या रूबीडियम। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। फिर कह रहा है शीतल पेयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, एसिटिलीन। यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, यानी पीएच वैल्यू जो शुद्ध जल का होता है वो कितना होता है, 4, 5, 7 या 6। यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो होता है 7। फिर कह रहे हैं शुद्ध पानी का पीएच मान 0, 7, 14, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका वही हो जाएगा 7। क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है और मीनिंग वगैरह सब सेम ही है। फिर कह रहे हैं कि एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है, परमाणु संख्या, एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु का आकार या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त समूह में आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, घटती है। आवर्त समूह में आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर घटती है। फिर कह रहा है कि समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षार धातु, क्षारीय भू धातु, हैलोजन्स या अक्रिय गैस। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस, यानी समूह 18 के जितने भी तत्व हैं वो सभी अक्रिय गैस है। फिर कह रहे हैं ना चिपकने वाले बर्तनों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, आपने देखा होगा नॉन स्टिक के जो बर्तन आते हैं वो क्या होते हैं, उनमें चिपकता नहीं है खाना, तो उन बर्तनों में किसकी परत चढ़ाई जाती है, पॉलीस्टरीन की, यानी पॉली स्टाइरीन की, टेफ्लॉन की, पीवीसी की या कालापिन की। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।